morning class 10th. So we have completed chapter number 3, that is metals and non-metals. We have completed the reading and also we have done it in detail. So today we will discuss the question answers of chapter number 3, that is metals and non-metals. Okay? The first question is, which of the following pairs will give displacement reactions? It may say, कौन सा pair displacement reaction show करेगा? ठीक है? First है NaCl solution and copper metal. MgCl2 solution and aluminium metal, ferrous sulfate solution and silver metal, AgNO3 solution and copper metal. तो displacement कौन सा reaction show करेगा? जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जैसे AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर सिल्वर की जगह ले लेगा. कॉपर क्या करेगा, कॉपर सिल्वर की जगह ले लेगा. ठीक है, क्यों? कॉपर क्या करेगा, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से और कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर देगा, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव की प्लेस ले लेगा, लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा. जैसे कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट था, तो कॉपर ने क्या करा, सिल्वर को रिमूव कर दिया सिल्वर नाइट्रेट में से और सिल्वर की जगह आ गया और फॉर्म कर लिया कॉपर नाइट्रेट. ठीक है, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. आप आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? ग्रीस अप्लाई करके, पेंट अप्लाई करके, बाय अप्लाइंग द कोटिंग ऑफ जिंक और ऑल द अबव. ठीक है, when we apply a coat of zinc that is suitable for preventing an iron frying pan from rusting, what is the reason? क्योंकि when we apply grease and oil, that is also a measure to prevent iron from rusting, but in case of frying pan, as we use it for food production, it is regularly washed and heated. So applying grease and oil is not proper method for preventing an iron from rusting, iron frying pan from rusting. Next, an element reacts with oxygen to form a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. Then element is likely to be element होगा आपका calcium. ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक element जो कि reacts with oxygen, जो कि oxygen के साथ react कर जाता है to give a compound with high melting point. ऐसा एलिमेंट बताना है आपने जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, और ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो सोल्यूबल भी है वाटर में. तो एलिमेंट आपका क्या होगा, एलिमेंट विल बी कैल्शियम. व्हाट विल बी द एलिमेंट, एलिमेंट विल बी कैल्शियम. व्हाई? बिकॉज कैल्शियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, बर्न्स इन एयर विद अ रेड फ्लेम टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा आपका और क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ऑल्दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिटन एज सॉलिड, इट इज पेरिफेरली सॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, इज मोर रिएक्टिव देन टिन, इज लेस रिएक्टिव देन टिन. तो जो फूड कैंस होती है उनको टिन से कोट करा जाता है, जिंक से कोट नहीं करा जाता. क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, तो दिस इज़ द रीज़न दैट फूड कैंस आर कोटेड विद टिन. ठीक है, नेक्स्ट है, गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विचेस,
to distinguish between samples of metals and non-metals, how can they be used? हमें कुछ apparatus दे रखा है, कुछ particular चीजें दे रखी हैं और उसके basis पर हमें बताना है कि हम इन samples को कैसे use करकर पता लगा सकते हैं कि particular चीज metal है या non-metal. ठीक है? Given a hammer, a battery, bulb, wires and a switch to distinguish between samples of metals and non-metals. ठीक है? तो हमें metals और non-metals के sample के बीच में difference बताना है. So using hammer we can beat the sample and if it can be beaten into thin sheets then it is a metal. तो हमें hammer दे रखा है, हम hammer से क्या करेंगे, particular sample को beat करेंगे और अगर वो thin sheets में convert हो जाता है, thin sheets में convert हो जाता है इसका मतलब वो metal है. ठीक है? क्यों? क्योंकि that particular substance is malleable यानी thin sheets में convert हो जाता है. Otherwise, वो क्या होगा? Non-metal. उसके बाद, similarly, we can use a battery, bulbs, wire and switches to set up a circuit with a sample. If the sample conducts electricity, then it is a metal, otherwise a non-metal. और हमें जो बाकी की चीजें दे रखी हैं, battery है, bulb है, wires है, switches है, हम क्या कर सकते हैं? उसे एक circuit set up कर सकते हैं. और अगर वो जो particular circuit है, अगर वो electricity को conduct करता है, that means वो क्या है? मेटल. अगर नहीं करता तो दैट इज नॉन मेटल. उसके बाद है एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीस टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स. द अबव टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज दीस आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड इन दिस टेस्ट. तो ये जो हमने ऊपर रिएक्शंस करे ये किस चीज पर बेसिस है? दीस आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट आता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और हमें दो एग्जांपल्स देने हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स के. तो दिस क्वेश्चन आई हैव मेड वेरी क्लियर टू यू कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं. तो ऐसे ऑक्साइड्स जो दोज ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स. ठीक है? और इसके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. इसको क्लियरली मैंने आपको ऑलरेडी नोटबुक्स में लिखवा रखा है जब मैं आपको चैप्टर रीड करवा रही थी. तो फ्रॉम देयर यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन. उसके बाद है नेम टू मेटल्स डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच टू. हमें ऐसे दो मेटल्स बताने हैं जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड्स में से और ऐसे दो मेटल्स बताने हैं जो नहीं करते. तो मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड. ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो उसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे डाइल्यूट एसिड में. ठीक है? एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम. और मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस इट, एग्जाम्पल कॉपर एंड सिंक. तो ऐसे दो मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो हो गए आपके सोडियम एंड पोटेशियम और दो मेटल्स जो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से वो हो गए आपके कॉपर एंड सिल्वर. तो जब नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एंड व्हाट वुड वन टेक एज द एनोड एंड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट. जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज कैथोड एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अ मेटल एंड इज इलेक्ट्रोलाइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रजवी टू सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट. सल्फर पाउडर लिया गया स्पैचुला में और उसको हीट करा गया. She collected a gas evolved by inverting a test tube over it. और इस तरह से गैस जो यहाँ से इवॉल्व हुई उसको कलेक्ट करा गया एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर. ठीक है? What will be the action of gas on dry litmus paper? तो dry litmus paper पे क्या action होगा? There will be no action on dry litmus paper. Since the gas is sulfur dioxide, it turns moist blue liquid. And when we have to write a balanced chemical equation,
तो एस प्लस ओ टू गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एच टू इट प्रोड्यूसेस एच टू एस ओ फोर. जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो किस टाइप के ऑक्साइड्स आपके फॉर्म होते हैं? जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो यू ऑल नो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल्स हो गए N2+O2 गिव्स 2NO. ठीक है, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड. N2+O2 गिव्स NO, तो उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लेंगे. ठीक है, और C+O2 दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट यू आर आस्क्ड टू गिव द रीजंस. प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल करा जाता है? प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस. ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट करोड ईजी, क्योंकि ये सारे बहुत शाइनी होते हैं. ठीक है, और लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आसानी से करोशन नहीं होता है. नेक्स्ट है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. सोडियम पोटेशियम और लिथियम को स्टोर करा जाता है ऑयल में, ऐसा क्यों होता है? सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्ट वेरी वीगसली विथ एयर एज वेल एज वाटर. जो सोडियम है, पोटेशियम है या फिर लिथियम है, ये सब क्या है? ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और काफ़ी वीगसली रिएक्ट करते हैं ये एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी. सो दे आर कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर. तो इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है प्रोटेक्ट कर प्रिवेंट कर ताकि इनको एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से रोका जा सके. नेक्स्ट है, एलुमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. एलुमिनियम सबको पता है कि काफ़ी हाईली रिएक्टिव है, फिर भी इसको यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है. इसका रीज़न क्या होगा कि एलुमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज़ रेजिस्टेंट टू करोजन. दिस इज बिकॉज एलुमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड. जो एलुमिनियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर एक पतली सी लेयर बना लेता है एलुमिनियम ऑक्साइड की. दिस ऑक्साइड लेयर इज़ वेरी स्टेबल और ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एलुमिनियम विद ऑक्सीजन और एलुमिनियम को ऑक्सीजन से और ज़्यादा रिएक्ट होने से बचाती है. ऑल्सो इट इज़ लाइट इन वेट एंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हेंस इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स. और क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा गुड कंडक्टर होती है हीट की, इसलिए इसको यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है. नेक्स्ट है, ओके ये ओर्स का है, दैट इज नॉट. ओके नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई सो सब्सटेंसेस लाइक लेमन एंड टेमरिंड जूस. टू क्लास बिफोर प्रीसीडिंग ऑन बिफोर कंटिन्यूइंग. आप लोग एक बार इसका आंसर रीड करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आई होप आप सबने रीड कर लिया होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बाय द सोल सब्सटेंसेस लाइक लेमन और टैमरिंड जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टार्निश्ड कॉपर वेसल्स. लेमन या फिर टैमरिंड जूस को क्यों यूज करा जाता है कॉपर वेसल्स को क्लीन करने के लिए? कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट. तो कॉपर क्या करता है, कॉपर रिएक्ट कर जाता है जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और कॉपर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर लेता है. एंड एज अ रिजल्ट कॉपर वेसल लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट. और जिसके कारण कॉपर वेसल क्या करता है कि अपनी जो शाइनी ब्राउन सरफेस होता है उसको लूज करकर ग्रीन लेयर कॉपर कार्बोनेट की फॉर्म कर लेता है. दिस सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन और टैमरिन न्यूट्रलाइजेस द बेसिक कॉपर कार्बोनेट. और जो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में या फिर आपके टैमरिन जूसेस में वो क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है कॉपर कार्बोनेट के नेचर को एंड डिसॉल्व दिस लेयर और इस लेयर को रिमूव कर देता है. सो टार्निश्ड कॉपर वेसल्स आर क्लीन विद लेमन और टैमरिन जूस टू गिव द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इसलिए कॉपर वेसल्स को लेमन से साफ करा जाता है ताकि जो उसके ऊपर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर है वो रिमूव हो जाए और जो सब्सटेंस है वो पहले जैसी लस्ट्रस हो जाए, पहले जैसी शाइनी हो जाए. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं. जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, दे हैव आयनिक बॉन्ड्स एंड दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स. दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. They react with dilute acids to give salt and evolve hydrogen gas and they do not react with dilute acids. They are not capable of replacing hydrogen. And they react with salt solution of metals. They react with salt solution of non-metals. They act as reducing agents, metals, and they act as oxidizing agents. First is metal
which exists in liquid state. Which exists in liquid state. Exists in liquid state. Is. The ability